चलिए फिर एक बार एक नया मुकाबला, नए मुकाबले की ओर ले चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मोहम्मदिया इस टीम ने मुकाबले का टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया है। चूंकि तीन ओवर का मुकाबला होगा, अली नाडकर और उनके साथ में दानियाल, नॉन स्ट्राइक पर दानियाल, स्ट्राइक पर हार्ड हिटर और जिम्मेदारी वाले बैटिंग करने वाले बैट्समैन अली नाडकर। ओपन क्रिकेट में भी देखा जाए तो इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है, बानकोट की टीम के लिए अच्छी कोशिश करते हैं और रन भी बनाते हैं। ये ओपनर मैदान में उतर चुके हैं, पहली गेंद फेस करेंगे, वहां पर अनुभव है बहुत ज्यादा गेंदबाज के पास। पहली गेंद पर वाह ऑफ ड्राइव देखने मिला, एक रन। बॉलर का नाम जुबेर, बॉलिंग के लिए जुबेर शिपोली की टीम की तरफ से। ओहो फिर एक बार बेहतरीन स्ट्रोक, क्या बैकफुट पर जाकर इनका पंच शॉट देखने मिलता है। लगातार दो बड़े हिट आ चुके हैं, दो गेंदों में दो रन, तीन ओवर का चुके ये मुकाबला। बॉलर फिर एक बार राउंड द विकेट से बॉलिंग ट्रैक पर, अगली गेंद ये देखिए फिर एक बार क्रॉस हैंडेड बैट से खेला, इस बार तो दौड़ लगाकर रन पूरा किया, तीन गेंदे तीन रन। अच्छी कोशिश, अच्छा तालमेल, अच्छा कोऑर्डिनेशन दोनों बल्लेबाजों का, फिर एक बार रन आएगा, तीन गेंदे तीन रन और स्ट्राइक पर। अब पहली मर्तबा सामना करेंगे दानियाल, दियान दियान की कोशिश अच्छी है, लेकिन इस बार अली के ऊपर पूरा दारोमदार। अली ने इस गेंद पर भी क्रॉस हैंडेड बैट से खेला स्ट्रोक, लेकिन फील्डर की मैं दाद दूंगा वहां पर, जिन्होंने डायरेक्ट हिट किया और बड़ा विकेट हासिल किया, कीमती विकेट था। जिस तरीके से ये जो थ्रो किया था डायरेक्ट हिट, बैट्समैन जब तक बैट ग्राउंडिंग करते तब तक गेंद स्टंप पर हिट कर दिया था नए बल्लेबाज शाहजान। अच्छा स्ट्रोक, ओपनिंग जोड़ी का ये बल्लेबाज इस उम्मीद से बैटिंग कर रहा है कि मैं अपने टीम के लिए रन बनाऊंगा। आज चुकी पहली रात है और इस टूर्नामेंट के आज की पहली रात में आप देख सकते हैं खिलाड़ियों की अच्छी कोशिश चल रही है और दर्शक अभी इस मैच की अगर हम बात करें तो 98 दर्शक हमारे साथ वॉचिंग है, उन तमाम दर्दी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। रात का खाना वगैरह होने के बाद ये मैच को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ दर्शक दिन भर के काम करने के बाद अपने दफ्तर से आने के बाद खाना होकर फिर सोने की तैयारी होती है, लेकिन कुछ वक्त अपने YouTube से अपने हैंडसेट से जुड़े हुए हमारे साथ YouTube पर मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इस भी देखिए अच्छी फील्डिंग शिपोली की तरफ से, लेकिन रन भी पूरा हो गया। बानकोट से भी देखा जाए तो काफी हद तक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके गांव की टीम खेल रही है। और बानकोट की जहां तक मैं बात करूं तो बानकोट एक बड़ा एरिया है, 7 मोहल्ले बसे हुए हैं उस बानकोट में। और ये देखिए बिल्कुल ये बानकोट के 7 मोहल्लों को सलामी देने वाला बानकोट की तरफ ये स्ट्रोक खेला है 4 रन के लिए, चौकार। इस चौके के साथ मोहम्मदिया का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन पर। इस बार गेंद कट होकर अंदर की तरफ आ रही थी, बल्लेबाज ने सूझबूझ वाला क्रिकेट खेला, 1 रन। टीम का स्कोर 10, 1.3 ओवर चल रही है। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर फिर एक बार इस मर्तबा बैट्समैन का विकेट, OUT आउट, डायरेक्ट हिट किया था, गेंद कहां रुकने वाली थी सीधी बैनर पर टकराई और बैट्समैन दानियाल का विकेट गिरा, दियान का विकेट गिरा। अब नए बैट्समैन सेकंड डाउन के रूप में अरबाज, मुझे ऐसा लगता है कि अरबाज और शाहजान को यहां से हिटिंग भी करनी पड़ेगी और सेंसिबल स्ट्रोक भी लगाने पड़ेंगे। तो दूसरी छोर से बॉलर नेम शम्स, ये भी कमाल का गेंदबाज है मानना पड़ेगा, जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी नजर आ रही है। शम्स की अगली गेंद, बैट्समैन फिर एक बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, 1 रन पूरा।
देखा जाए तो अट्रैक्टिव प्लेयर है, आकर्षित करने वाला, परफॉर्मेंस दिखाने वाला शाहजहान अब स्ट्राइक पर, आखिरी गेंद पर इस गेंद को देखिए अंपायर से बहस ना करें, अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होगा। बैट कट था, एक रन पूरा, दो ओवरों का खेल खत्म, टीम का स्कोर हो चुका है 12 रन। हाँ, इस सिंगल के साथ स्कोर 12, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब तीसरी ओवर बॉलिंग पर बॉलर अय्याज, जुनेद बिंडू कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाइए। इस मर्तबा एक रन अरबाज के बल्ले से, स्कोर हो गया है 13-13। इस बार अच्छा स्ट्रोक, ऑफ ड्राइव, लेकिन सिंगल से ज्यादा नहीं, स्ट्राइक को रोटेट भी किया। ये बड़ी चीज है कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज को मौका मिला है फिर एक बार अच्छी बैटिंग करने का, क्योंकि वन डाउन के रूप में आए थे शाहजहान, और शाहजहान से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ये देखिए बैट्समैन ने कोशिश अच्छी की थी, लेकिन बैट्समैन भूल गए थे कि विकेट पीछे है, 3 स्टंप वहां पर थे, और बैट्समैन ने हिट विकेट के रूप में अपना विकेट गंवाया। स्क्वायर लेग अंपायर तजमुल सर, उनके साथ में तीसरे अंपायर शबाब, मेन अंपायरिंग पर सादिक महाड़कर। ये देखिए इमरान नाड़कर जैसे ही आए गोली की तरह स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, और ये देखिए बिल्कुल मुझे ये अंदाज उनका हुतुतु की याद ताजा करा दिया। हाँ, मैं कबड्डी की बात कर रहा हूं, एक साथ में दो दो चीजें करने वाला इमरान नाड़कर। ओहो, ये देखिए यहां पर मौका बन रहा था रनआउट का, और बैट्समैन रनआउट, कॉल भी था इमरान का कि दौड़िए, अपना विकेट सेक्रीफाइस किया और विकेट गवाया। विकेट जा चुके हैं 4, रन हो चुके हैं 15, गेंदे हो चुकी है 5। लास्ट बॉल इस ओवर की, इस इनिंग की, अगर एक बड़ा हिट आ जाए तो मोहम्मदिया का काम बन जाए, या फिर एक बड़ा विकेट फिर एक बार शिपोल का काम बन जाए, ये तो वक्त ही बताएगा। ये लीजिए, ये तो स्ट्रोक खेला है 2 रन के लिए, और इसी के साथ कुल टीम का स्कोर 17-17, 3 ओवरों का खेल खत्म। अब 18 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। अब दूसरे सत्र का खेल जैसे ही शुरू होगा देखना जाएगा। जर्मन प्रकार के टीचर जवाद सर हमारे बीच आए हुए हैं, मैं जवाद सर से गुजारिश करूंगा कि प्रेजेंटेशन बॉक्स की ओर आ जाइए। यहाँ पर मैं मंजर भाई मरने इनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे इस टूर्नामेंट के लिए जवाद सर आए हुए हैं, इन्हें ये शाल पहनाकर इस टूर्नामेंट के अंदर सम्मानित करें। ये देखिए जवाद सर का शाल पहनाकर इज्जताना अंदाज में लकी स्टार क्रिकेट क्लब की ओर से इस्तकबाल।
लकी स्टार ब्लू और अफजल अव्वल बी, अव्वल अफजल बी, अव्वल अफजल बी। चलिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हसन जीवकर पहली गेंद पर खेला हुआ स्ट्रोक ऑफ साइड रीजन में, वहां पर फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग, एक रन, खाता खोला है। फिर एक बार टैप मारा हुआ स्ट्रोक, दो गेंदे दो रन, क्योंकि 18 गेंदों में 18 की जरूरत है, कोई दिक्कत वाला स्ट्रोक खेलना नहीं चाहते हैं। इस बीच बैकफुट पर जाकर गैप ढूंढने की कोशिश, एक रन तो पूरा, दूसरे की मांग, दूसरा रन भी पूरा। क्रिकेट में आपकी खराब फील्डिंग आपको हरा सकती है। ओहो, इस बीच अच्छा स्ट्रोक, एक रन, स्कोर 6। लकी स्टार ब्लू टीम के कैप्टन माजिद, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ फौरन। टीम का स्कोर 1.3 ओवर में 9 रन्स। ओहो, इस बार कोशिश अच्छी थी, 4 रन तो नहीं बल्कि 2 की मांग और 2 भी पूरे हो गए। टीम का स्कोर 11। एक एक रन कीमती होता है, यहां पर थोड़ी सी गलती, 1 की बजाय 2 और 2 की बजाय 4 कब होंगे पता नहीं चलेगा। अब गेंदे बचे हुए 8, जीतने के लिए 7 रन की जरूरत। क्रॉस हैंडेड बैट से खेला हुआ स्ट्रोक संजीवकर, इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, उतनी अच्छी फील्डिंग भी है, वहां पर एक ही रन, एक से ज्यादा नहीं। स्कोर 14। अब जीतने के लिए 6 गेंदे और 4 रन की जरूरत, 7 चेंडू यानी 4 धावन की गरज। छह गेंदों का खेल, जीतने के लिए 4 रन की जरूरत, और ऐसी सूरत में आखिरी ओवर किसे थमाई गई है? नाइफ, नाइफ ने पहली गेंद वाइड की है और अब 3 रन की जरूरत। मुकाबला हाथ से निकलते जा रहा है और इस बीच ये एक रन, मौका मिला बैट्समैन को और मौके का फायदा उठाया अय्याज ने, एक रन। इस बार ड्राइव अच्छा है, फील्डिंग भी अच्छी, लेकिन रन पूरा।
17 रन। इसी के साथ शिपोले इस मुकाबले को जीत चुकी है। अव्वल अफजल इस टीम ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला लिया है।